वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगु कर रहे हैं। अकाउंटेंट का काम ये होता है कि वो बैंक स्टेटमेंट्स को डिटेल के अंदर देखता है और ये देखता है कि जो रिकॉर्ड जमा करवाया गया है इस रिकॉर्ड की वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस रिकॉर्ड का वेरीफाइबल है या नहीं है, या ये पैसे जो है वो किसी ने फरिश्तों में फरिश्ते डाल के चले गए हैं। और आपको इनकी तारीख याद है कि बेनजीर शहीद अपनी किताब में लिख देती हैं कि समा बिन लादन से पैसे लेके इन्होंने हुकूमत गिराने के लिए काम किया। और मैंने तो पहली बार देखा है, हमने ये तो देखा था कि नवाज शरीफ जो है वो तोशाखाने की BMW घर ले गए, हमने ये तो देखा था कि मियां साहब जो है वो सरकारी खजाने को लूटमार करके फ्लैटों पे चले गए। यहां भी मियां साहब ने एक वारदात डाली हुई है, नवाज शरीफ साहब ने अपनी ही पार्टी का 4.5 करोड़ रुपया निकाल के ले गए, वो खर्च कर रहे हैं। पार्टी के फंड को भी नवाज शरीफ ने जो है वो नहीं छोड़ा। अब पता नहीं वो पार्टी का फंड जो है वो उसको कहां इस्तेमाल किया। यहां बाज औकात लगता है कि करप्शन के पैसे को, किकबैक्स के पैसे को, या ये भी सवाल उठता है कि पार्टी अकाउंट में जमा करवाया, उसको वाइट किया, बाद में निकाल के अपने जाती इस्तेमाल के लिए ले गए। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद रहा है, लेकिन उस कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। इलेक्शन कमी वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।